दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट को किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग तैयार करी जाती है, किस तरीके से उसमें हम फॉर्मूले यूज करके ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये हमारे जो एक्सेल के सीरीज हमने शुरू करी है उसका ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक फर्स्ट वीडियो है एक्सेल सीरीज का, वो अपलोड किया हुआ इस चैनल पर, और उस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमें इस प्रकार का अगर कोई मैनुअली रिकॉर्ड दे पेपर पर लिखा हुआ, तो उसको देख के हम एक्सेल में किस तरीके से उसका डिजाइन तैयार करेंगे और किस तरीके से हम फॉर्मूले यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे एक्सेल सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज इस वीडियो के साथ साथ आप एक्सेल के फर्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ऊपर आपको आई बटन पर भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो, आप टेली सॉफ्टवेयर और विजी सॉफ्टवेयर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर, विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियो जो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारे एक्सेल सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने टेली सॉफ्टवेयर में से देख के ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार किया था, और वो हमने इस एक्सेल में ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हो, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है 9656 रुपये और 10 पैसे, और यही हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो टेली सॉफ्टवेयर में भी आ रहा है। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिजाइन हम सॉफ्टवेयर में एक्सेल में किस तरीके से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार कर लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बनाना सीख लिया है, आपने इस तरीके की डिजाइनिंग करना सीख लिया है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर आप डिजाइन तैयार करोगे, उसकी फॉर्मेटिंग करोगे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं भी, या तो आप इस टाइप का अगर आपको कोई मैनुअल रूप से यानी कि पेपर पर लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको दे दे और आपको ये बात बोली जाए भी आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार करो। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो हमारा जो फर्स्ट सीरीज का जो एक्सेल सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, उसको अगर आपने देखा है, तो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और भी ज़्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के लिए एक्सेल में हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट तैयार किया है, उसी को ही हम कॉपी कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो टाइम भी बच जाएगा। तो दोस्तों, हमें हमारी कंपनी का नाम भी हमें चाहिए, और उसके बाद में जो भी डाटा हमारा रहेगा वो सब इसको एडिट कर देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोस्तों, जहाँ से आपको डाटा चाहिए उसको सभी फॉर्मेट को आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सिंपल हम इस पर कॉपी करेंगे। तो दोस्तों, कॉपी करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इस डाटा को सारे को सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल सी के साथ शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप कॉपी की कमांड लगाओगे, तो आपके सामने इस तरीके की जो लाइनिंग है, जहाँ तक आपने डाटा को सिलेक्ट किया है, वो इस तरीके की लाइनिंग है जो ब्लिंक करनी शुरू कर देगी। इसका मतलब ये कॉपी की जो कमांड है अभी तक एक्टिव है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसके नीचे तैयार करेंगे, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लेंगे, या फिर हम इस बटन पे आके पेस्ट का बटन पे प्रेस करेंगे, तो भी हमारा जो डाटा कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये लाइन है ये ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया भी अभी भी कॉपी की जो कमांड है वो एक्टिव है। अगर हम इसको एस्केप कर देंगे यहाँ से, तो एस्केप करते ही आप देख रहे हो यहाँ से जो कॉपी की कमांड है वो डीएक्टिव हो गई है। अब दोस्तों, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें तैयार करना है, तो आप देख रहे हो ऊपर कंपनी का नाम हमें लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो कंपनी का नाम हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद में अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ट्रेडिंग अकाउंट को हम यहाँ से हटा के, और हमें जो नाम लिखना वो ये लिखना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडेड ईयर ऑफ 31 मार्च 2021। तो हमारा जो टाइम यहाँ से बच जाता है, तो हम यहाँ से टाइप कर देंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंडेड ईयर ऑफ 31 मार्च 2021।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेस नजर नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल इस रो को नीचे ड्रैग कर सकते हो, तो थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ पे आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो उसके बाद में यहाँ पर जो ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो नाम है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब उसके बाद में ये डाटा भी हमें चाहिए, इसको भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ये वाला भी नहीं चाहिए, तो सभी को हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, सभी को एक एक करके, यानी कि सभी को डिलीट हमने कर दिया है, और हमारा जो टोटल का जो फॉर्मूला है वो अभी भी लगा रहा है। तो दोस्तों हम टोटल के फॉर्मेट को भी हम फॉर्मूले के हम डिलीट कर देंगे और हम नए सिरे से इसका टोटल लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है, सेम वही ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का जो हेडिंग अब लगी रहती है, और उसके बाद में हमें सबसे पहले यहाँ पर इनकम साइड दिखाना होता है। तो इनकम साइड में जो हमारा सबसे पहले जो इनकम होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट से दिखाई जाती है, कि आपकी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो दोस्तों जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया है इस ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार वो है 9656 रुपये और 10 पैसे। तो अब ये जो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है वही ग्रॉस प्रॉफिट अब यहाँ पर लिखा जाता है, और अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसको मैनुअल रूप से टाइप नहीं करेंगे हम 9656 रुपये 10 पैसे को, जबकि हम इसको हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाटा, कोई भी सेल का डाटा दूसरे सेल पर अगर लेके जाना हो सेम डाटा, तो आपको कॉपी करने की बजाय उसे फॉर्मूले के साथ लिंक कर दिए। दोस्तों फॉर्मूले के साथ हम लिंक किस तरीके से करेंगे, जहां पर आपको जो डाटा चाहिए वहां पर मेरे, अब जैसे कि मेरे को ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसकी अमाउंट मेरे को यहां पर चाहिए, तो अब मैं यहां पर सिंपल इक्वल का निशान, यानी कि ये बराबर का निशान है जो यहां पे टाइप करूंगा इस तरीके से, और उसके बाद में जो डाटा मुझे चाहिए, अब जैसे मुझे ये डाटा चाहिए, अब इसका बी तो कॉलम है और 13 संख्या इसकी रो है, या तो मैं यहाँ पे बी 13 टाइप करूंगा, तो भी आप देख रहे हो यहां से इसको इसने हाईलाइट यानी कि इसको सेलेक्ट कर दिया है ऑटोमेटिकली, यानी कि अब ये जो डाटा यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, या आप इक्वल का निशान दबा के सिंपल इस पर क्लिक कर दोगे आके, तो भी आप इंटर प्रेस करोगे, तो ये जो यहाँ पे जो जो भी आप वर्डिंग चेंजेज होगी यहाँ पर अब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको चेंज करके देखते हैं, मान लीजिए जैसे मेरे पास कुछ स्टॉक है, मैंने स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख रुपये कर दी है, एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर प्रेस करते आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ से चेंज हो गया, अब 30,028 रुपये हो गया, और ये 30,028 रुपये की वैल्यू यहाँ पर भी अब ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। तो दोस्तों हमें फॉर्मूला लिंक करने का यही बेनिफिट मिलता है, अगर कोई भी डाटा हम चेंज करते हैं तो आगे जितने भी डाटा इसके अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए वो सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड के साथ वापस इसको सेट कर दूंगा, तो अभी आप देख रहे हो जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट में जो नजर आ रहा है वही हमारा अब इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये फिगर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, जो यहाँ पर अब चेंज होगा वही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में हम आते हैं अदर इनकम पे। अब इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा अगर आपके बिजनेस में कोई अदर इनकम है, जैसे कोई कमीशन आपको रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई रेंट रिसीव हुआ है, तो वो सारी अदर इनकम में शो होती है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, एक हेड है यहाँ पर हम देंगे अदर इनकम। तो दोस्तों अगर आप अदर इनकम को या ग्रॉस प्रॉफिट को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हो तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहो तो इस पर बोल्ड करके इसको सिलेक्ट करके और हम यहाँ पर इस बी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया यानी कि बोल्ड हो गया है, तो इसका शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल के साथ बी, तो हम कंट्रोल के साथ बी करेंगे तो भी यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा। अब हमारे अदर इनकम जो आप देख रहे हो यहाँ पर, अब टेली सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है, और उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट यानी कि हमें 2155 रुपये का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो वो हम यहाँ पर नाम है जो टाइप करेंगे अदर इनकम में ट्रेड डिस्काउंट, तो हम ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा वो 2155 रुपये का है हमारी बुक्स में, तो 2155 को हम लिखेंगे। तो दोस्तों अब जितनी भी हमारी इनकम थी वो सारी इस तरीके से हम आपके पास कमीशन जो भी इनकम रहेगी वो सारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिजाइन है वो कुछ ही रो की संख्या में आ रहे हैं, अगर आपको जरूरत पड़े भी आपको इसमें रो संख्या और ज़्यादा इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके बीच में किसी भी रो पे आप क्लिक कर दीजिए,
जैसे कि मैंने यहाँ पे 29 पे क्लिक कर दिया, आप देख रहे हो मैंने 29 पे क्लिक किया तो ये सारी रो है जो हाईलाइट हो गई, यानी कि ये पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद में आपको इंसर्ट करने के लिए रो आपको और चाहिए, तो आपको इंसर्ट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों आपको यहां से मिलेगा इंसर्ट का, आपको इस इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आप देख रहे हो यहां पे रो संख्या ऑटोमेटिक है जो इंसर्ट हो रही है। आप सेकंड आप राइट इस पे क्लिक करोगे, जो आपने सेल आपने जिस रो को सेलेक्ट कर रखा है उस पे आप राइट क्लिक करोगे जाके, तो आपको यहां पर एक इंसर्ट का बटन भी मिलेगा। यहां पर आप ऐसे इंसर्ट करके भी इस पे अपने जो रो संख्या उसको इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपने एक कमांड लगा दी इंसर्ट की, तो उसके बाद सिंपल आप कीबोर्ड से अगर F4 प्रेस करते जाओगे तो आपके जो सारा डाटा वो इंसर्ट होता जाएगा स्टेप टू स्टेप। आप देख रहे हो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई रो डिलीट करनी है तो सेम वही ऑप्शन आपको दो मिलेंगे। अब मान लीजिए आपको ये रो संख्या इतनी नहीं चाहिए, 5-7 इतनी नहीं चाहिए, तो आपको वन टाइम इकट्ठा भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ से, आप यहाँ से इस डिलीट के बटन पर भी क्लिक कर सकते हो, या आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, दोनों की सेम ही कमांड यूज होती है। जैसे हमने डिलीट पर क्लिक किया है तो आप देख रहे हो यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास रो शो हो रही थी वो डिलीट हो गई है। तो दोस्तों अब हम इस फॉर्मेट का सारा का यहाँ पे टोटल हमें लगाना है। तो टोटल लगाने के लिए जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में जो ऑप्शन यूज किया था, सबसे पहले हम इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका टोटल हमें चाहिए भी, इसका टोटल इसमें आए तो यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सेलेक्ट पहले ही छोड़ दिया, मान लीजिए आपने सेलेक्ट यहाँ तक छोड़ दिया, तो अब इसका जो टोटल आएगा वो इसके ऊपर वाले रो में ही आ जाएगा, और जबकि हमें चाहिए इसका जो टोटल है वो इस कॉलम में आए। तो कंट्रोल जेड के साथ हम वापस इसको डीएक्टिव कर देंगे, और यहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम इस ऑटो सम को यूज़ करते हैं टोटल लगाने के लिए। ऑटो सम का यूज़ करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पर लग जाएगा, और उसके बाद में ये जो साइड है ये हमारी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों की साइड है, ये रही हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट। तो इन सभी को हम यहाँ पर बारी बारी से टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस है हमारा, उसके बाद में शॉप रेंट भी है, और उसके बाद में सैलरी भी है। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारा है 1850 रुपये का, उसके बाद में शॉप रेंट है 1000 का, और जो सैलरी है वो 1500 रुपये की है। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेट प्रॉफिट को। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल आपकी जितनी इनकम हुई है उस इनकम में से आप अपने खर्चे जो लेस कर दोगे। तो सेम वही इसी को भी हम फॉर्मूले के साथ लेके आएंगे, इक्वल का निशान दबाएंगे, उसके बाद में आप जितनी टोटल इनकम हुई है, जैसे कि टोटल इनकम 11,811 रुपये और 10 पैसे है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको जितने भी आपके एक्सपेंसेस है उस सभी को आप माइनस करते जाओगे। तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सपेंसेस की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है तो आप इसका भी यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर आप माइनस का निशान दबा के फिर आप इक्वल और उसके बाद में सम और ब्रैकेट चालू करोगे। तो इस तरीके का फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि D38। D38 का मतलब हो गया जो 11,811 रुपये आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही है ये वाली, इसमें से आप माइनस कर रहे हो बराबर सम, यानी कि ये जो जितने भी खर्चों की लिस्ट है उसको आपको माइनस में करना है। तो माइनस, उसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हम ऊपर तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो यानी कि इस लिस्ट में अब जितने भी रकमें लिखी जाएगी वो टोटल है जो ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा, और इसको हम यहाँ से करेंगे यस। तो जैसे हम यस करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे यहाँ से दो पे, तो आप देख रहे हो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 7,461 रुपये और 10 पैसे ऑटोमेटिक आ गया, और ये हमारा टेली सॉफ्टवेयर में भी आ रहा है 7,461 रुपये और 10 पैसे। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अगर आपको कोई भी इंक्रीज अगर आप इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक है जो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अदर इनकम को 10,000 रुपये, मैं अलग से यहाँ पे फिगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो जैसे 10,000 रुपये करूँगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं इस खाली रो में अगर कोई अमाउंट मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई 5,000 रुपये का एक्सपेंसेस और है, तो मैं 5,000 रुपये करूँगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो भी ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको फॉर्मूले के साथ लिंक किया हुआ है।
यानी कि अब इस कॉलम में जो भी फिगरें लिखी जाएगी वो इसमें से माइनस होती रहेगी। इसको हम डिलीट करेंगे, तो जैसे डिलीट करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 7461 रुपये और 10 पैसे अमाउंट आ गई। अगर मैं 7461 रुपये और 10 पैसे करता हूँ तो आप देख रहे हो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो जीरो हो गया, यानी कि जितनी इनकम थी उतनी हमारे एक्सपेंसेस है, तो नेट प्रॉफिट है जो जीरो हो जाएगा। हम डिलीट करते हैं और उसके बाद में सेम इसी कॉलम का हमें टोटल भी लगाना है, तो सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम का यूज़ करेंगे। तो ऑटो सम का यूज़ करेंगे तो यानी कि इसमें जो भी टोटल रहेगा सबका टोटल ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो फाइनली डाटा हमारा रहता है बैलेंस शीट का, तो दोस्तों सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट का भी हम फॉर्मेट है जो तैयार कर सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा भी जो हमने एक्सेल के अंदर यहाँ पर जो हेडिंग में लिखा था पर्टिकुलर अमाउंट्स और पर्टिकुलर अमाउंट्स, लेकिन बैलेंस शीट में ये जो अब हेडिंग है जो चेंज हो जाती है, अब आपको लायबिलिटीज और एक एसेट लिखना पड़ता है। तो अगर आप इसी को कॉपी करना चाहते हो तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, या अगर आप इसको सेकंड शीट पे अगर आप लेके आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग सीटें भी नजर आएंगी, जैसे सीट वन सीट टू, इस तरीके से आप काफ़ी सारे सीटें क्रिएट भी कर सकते हो, सीट थ्री फोर। अगर आपको अलग सीट पे इसको बैलेंस शीट तैयार करनी है तो आप इसी डिजाइन को कॉपी कर लो। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ हमने इसको कॉपी कर लिया, या आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों जैसे हमने पेस्ट किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो डाटा है वो इस तरीके से नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ये अटपटा सा हो गया, अंदर घुस गया। तो आपको सिंपल सेम वही तरीका, हमको इसको यहाँ से इसकी जो रो संख्या है इसको यहाँ से विड्थ है जो इसकी जितनी हमें जरूरत है उतनी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आप विड्थ कम ज़्यादा इसकी करके अपना जो आपके पेज के अंदर फिट आ रहा हो उसको जितना अकॉर्डिंग आप इसकी कम ज़्यादा रो कर सकते हो। तो उसके बाद में हम इसको हटा के यहां पर हम इसका नाम लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। दोस्तों लिखना सिंपल है, और उसके बाद में ये जो वर्डिंग है ये भी सब कुछ हम यहां से हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे हम इसको क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो पर्टिकुलर आ रहा है इनको भी हम यहां से हटा देंगे, और इनकी जगह भी लायबिलिटीज और एसेट हम टाइप कर देंगे। तो अब बैलेंस शीट में आप देख रहे हो इस तरीके का आपको पास में ये फॉर्मेट मिलता है। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को, फिर सिक्योर लोन को, फिर अनसिक्योर्ड लोन को, फिर सेंट्रल क्रेडिटर को या अदर करंट लायबिलिटीज को। तो ये जो सारा रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट होता है, बस हमें यहाँ पर इसको बैलेंस शीट में से देख के इन सभी को एक्सेल शीट के अंदर सिर्फ ओनली टाइप करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देख रहे हो भी हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आ रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो भी हमारे बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक आए। तो जैसे कि हम जैसे हमने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा क्लोजिंग स्टॉक, अब जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो ट्रेडिंग अकाउंट से ऑटोमेटिक यहाँ पर आनी चाहिए। तो हम सेम वही फॉर्मूला इक्वल का निशान दबाएंगे। अब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो शीट वन में है, तो हम शीट वन को ओपन करेंगे, और उसके बाद में ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। तो अब इस क्लोजिंग स्टॉक पर क्लिक कर देंगे, आप देख रहे हो जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये हाईलाइट यानी कि इस पर चारों तरफ से ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और हम इस पर इंटरप्रेस करेंगे। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो अब ये जो फिगर है वहां से ऑटोमेटिक इसका जो सेल डाटा लिंक हो चुका है। अगर आप इसका फॉर्मूला बार में अगर इसको देखोगे आप दोस्तों, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा। आप यहां पर देख रहे हो यहां पर आपको जो फिगर नजर आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे तो लिखा हुआ है बराबर सीट वन से ले वन में D12 को कॉपी किया हुआ है, यानी कि वहां से इस सेल में लिंक है डाटा। अगर अब कोई भी D12 इसमें अगर कोई डाटा चेंज होता है तो आपकी सेकेंड सीट में बैलेंस शीट में डाटा ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं वहां पर 1 लाख करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने 1 लाख भी चेंज किया, तो आप देख रहे हो ग्रोस प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, ये ग्रोस प्रॉफिट तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी चेंज हो गया है, और नेट प्रॉफिट चेंज हो गया तो शीट टू पे आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी ऑटोमेटिक ही चेंज होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक सेल से दूसरे सेल को लिंक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड के साथ हम जो हमारी कमांड थी जस्ट लास्ट की वो डीएक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से बाकी जो डाटा है जैसे कि सैलरी डेप्टर है, क्रेडिट्स है, कैपिटल बैलेंस है, वो सब कुछ हमें सॉफ्टवेयर में से देख देख के यहाँ पर लिखना पड़ता है, और उसके बाद में हम इसको यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं इसकी हेडिंग वाइज। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के बाद में हमारा सिक्योर्ड लोन आता है,
अगर आपके बुक्स में है तो लिखोगे, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपके बुक्स में कुछ है तो उसके बाद में हम सेंट्री क्रेडिटर, और उसके बाद में अदर आपकी कोई भी लाइबिलिटीज अगर आपकी बचती है तो हम वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बाकी नाम हमें सिंपल टाइप करना पड़ेगा, और उसकी जो फिगर्स है वो सारी की सारी हमें हमारे बुक्स में से, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर या बीजी सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हो उसको देख के टाइप करना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ एक ऐसी बातें होती है जो हमें लिंक के साथ लेके आनी पड़ती है, और लिंक के साथ लेके आनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसको हम लिंक नहीं करेंगे यहाँ से, तो अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कारणवश अगर चेंज हो जाती है तो यहाँ पर वो जो डाटा है वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, हमें यहाँ पर फिर भी वो मैनुअल रूप से उसको देख के लिखना पड़ेगा। अब हमें एक डाटा चेंज करेंगे तो नेक्स्ट जो डाटा है वो हमारा ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम किसी सॉफ्टवेयर में कोई इनवॉइस, जैसे कि हमने कोई चेंजिंग करी है, तो जैसे इनवॉइस चेंजिंग करती है तो उसके स्टॉक आइटम पे, उसके स्टॉक आइटम की वैल्यू पे, हमारे कस्टमर के जो नेट बैलेंस है उस पे, सब पे ऑटोमेटिक इफेक्ट है जो चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से ये सब कुछ है जो लिंक किया होता है, इसीलिए ही वो चेंज होता है, और वही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीख रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।